नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बिलासियोर एमओडीटी टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, बिलासियोर एमओडीटी टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और बिलासियोर एमओडीटी टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। और यह भी डिस्कस करेंगे कि बिलासियोर एमओडीटी टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। बिलासियोर एमओडीटी टैबलेट के अंदर दो दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है। बिलासियोर एमओडीटी टैबलेट के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन बिलास्टाइन 20 mg और मोंटेलुकास्ट 10 mg होता है। बिलास्टाइन एक एंटीहिस्टामिन ड्रग क्लास की दवा है, जिसका उपयोग सर्दी, जुखाम, नजला और एलर्जी के लक्षणों से राहत पाने के लिए किया जाता है, और मोंटेलुकास्ट अस्थमा की वजह से होने वाले लक्षणों जैसे सांस फूलना, सांस लेने में दिक्कत होना और सांस लेते समय सीटी जैसी आवाज आना आदि लक्षणों को नियंत्रण करने व रोकने में मदद करती है। बिलासियोर एमओडीटी टैबलेट का उपयोग अस्थमा होने पर, सर्दी, जुखाम, नजला और एलर्जी के लक्षणों को ठीक करने के लिए बिलासियोर एमओडीटी टैबलेट का उपयोग किया जाता है। एलर्जी या नजला के लक्षण जैसे नाक से पानी बहना, आंखों से पानी आना, आँख, नाक या गले में खुजली होना, छींक आना और शरीर पर कहीं खुजली होने पर आदि लक्षणों से राहत पाने के लिए बिलासियोर एमओडीटी टैबलेट का उपयोग किया जाता है। डॉक्टर, क्रोनिक अर्टिकेरिया होने पर यानी त्वचा पर पुरानी खुजली की समस्या होने पर, त्वचा पर एलर्जी होने पर और त्वचा पर रैशेस होने पर भी बिलासियोर एमओडीटी टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। मधुमक्खी या किसी अन्य कम जहरीले जानवर के काटने की वजह से हुई त्वचा पर रैशेस, सूजन और खुजली को ठीक करने के लिए भी डॉक्टर बिलासियोर एमओडीटी टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में बिलासियोर एमओडीटी टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में बिलासियोर एमओडीटी टैबलेट की वजह से कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे मुंह में सूखापन होना, सिरदर्द होना, शरीर में थकान व सुस्ती होना, नींद अधिक आना, नाक से खून आना, गले में खराश होना और उल्टी आने का मन होना आदि साइड इफेक्ट्स बिलासियोर एमओडीटी टैबलेट की वजह से हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि बिलासियोर एमओडीटी टैबलेट को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। बिलासियोर एमओडीटी टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। बिलासियोर एमओडीटी टैबलेट को खाना खाने से 1 घंटे पहले लेना चाहिए या खाना खाने के 2 घंटे बाद लेना चाहिए। बिलासियोर एमओडीटी टैबलेट एक माउथ डिसॉल्विंग टैबलेट है जो मुंह में लेने के बाद अपने आप घुल जाती है, इसलिए बिलासियोर एमओडीटी टैबलेट को बिना पानी पिए भी लिया जा सकता है। इसलिए आपको बिलासियोर एमओडीटी टैबलेट को मुंह में रख लेना चाहिए। बिलासियोर एमओडीटी टैबलेट के मुंह में घुलने के बाद अगर आप चाहे तो पानी पी सकते हैं। आमतौर पर डॉक्टर 12 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों को बिलासियोर एमओडीटी टैबलेट को दिन में एक ही बार और शाम के समय लेने की सलाह देते हैं। बिलासियोर एमओडीटी टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको बिलासियोर एमओडीटी टैबलेट को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अब हम डिस्कस करेंगे कि बिलासियोर एमओडीटी टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बिलासियोर एमओडीटी टैबलेट का सेवन करना रिकमेंडेड नहीं है, इसलिए 12 साल से कम उम्र के बच्चों को बिलासियोर एमओडीटी टैबलेट को नहीं देना चाहिए। बिलासियोर एमओडीटी टैबलेट के साथ आपको शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। वैसे ज्यादातर व्यक्तियों में बिलासियोर एमओडीटी टैबलेट को लेने के बाद ज्यादा नींद नहीं आती है, लेकिन यदि किसी व्यक्ति को बिलासियोर एमओडीटी टैबलेट को लेने के बाद नींद अधिक आती है तो ऐसे व्यक्तियों को ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए और ऐसी मशीनों पर काम भी नहीं करना चाहिए जिन पर काम करने के लिए अधिक मानसिक सतर्कता की आवश्यकता होती है। वैसे बिलासियोर एमओडीटी टैबलेट प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को कोई नुकसान नहीं पहुँचाती है, लेकिन केवल ज्यादा जरूरत पड़ने
होने पर ही डॉक्टर प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को बिलासोर MODT टैबलेट को लेने की सलाह देते हैं। इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को डॉक्टर की सलाह के बिना बिलासोर MODT टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका बिलासोर MODT टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।